हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वेलकम करते एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हर रविवार की तरह आपके लिए हम लेकर आ गए एक और प्लांट की जानकारी। तो आज का हमारा प्लांट है अमरूद का, जो कि फ्रूटिंग प्लांट है। तो फ्रेंड्स, शहरों में हम रहते हैं तो इतनी स्पेस नहीं होती कि हम ज़मीन में ऐसे फ्रूटिंग प्लांट लगाएँ। अक्सर हम अपने बालकनी या छत पर प्लांट लगाना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर है कि आप कौन से फ्रूटिंग प्लांट आप अपने छत पर लगा सकते हैं। तो आज का हमारा फ्रूटिंग प्लांट है अमरूद। ये इलाहाबादी अमरूद है, देख सकते हैं। इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रूट लगता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगते हैं इसमें। और अच्छी खास बात है, ये आप गमले में लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आज की वीडियो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पर कितने बड़े साइज़ की फ्रूटिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है तो आप भी इस तरह की फ्रूटिंग ले सकते हैं। आप इस प्लांट को नर्सरी से ले सकते हैं, या तो आप फरवरी में और या आप बरसात के समय इस प्लांट को नर्सरी से ला सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई नर्सरी पे आप आते हैं तो ये प्लांट आपको फ्रूटिंग वाला 150 रुपये प्लांट आपको मिल जाएगा, और जो कि ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। पर आप इसको बड़े साइज़ का गमला दें, क्योंकि देख सकते हैं छोटे साइज़ के गमले में ये अच्छे से फ्रूटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं, जो रूट है, वो गमले के ड्रेनेज से निकल के ज़मीन में गई हुई हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है। पर आप इसे घर ले जाते हैं और फ्रूटिंग नहीं करता, उसका यही कारण रहता है कि आप इसे छोटे साइज़ का गमला देते हैं। आप इसे जब भी गमले में लगाएँ तो 16 से 20 इंच का गमला आप लें, और इसमें सभी तरह की आप खाद डाल सकते हैं, जैसे कि बोन मील और फिर गोबर की खाद या केचुआ खाद। इस तरह की खादें आप इसमें डालें हर महीने, और मैं उम्मीद करता हूँ एक साल में आपका प्लांट फुल फ्रूटिंग से भर जाएगा, पूरे तरह से फ्रूटिंग रहेगी। तो आप इस तरह के प्लांट नर्सरी पे आके बाय कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी छोटी सी वीडियो या छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं इस पर कितने अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दिखा देते हैं हम इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग, देख सकते हैं आप। काफ़ी, ये देखिए, काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रूट है, देख सकते हैं। इस तरह की फ्रूटिंग आप अपने टेरेस गार्डन पर या बालकनी पर ले सकते हैं। और आपको एक बात का ख्याल है, इस तरह के फ्रूट के लिए आपको फुल दिन की सनलाइट अपने प्लांट को देनी होगी, क्योंकि आप खाद दे देते हैं फिर इसे धूप से ही ये अपना जो है खाना बनाते हैं और फिर फ्रूटिंग प्लांट करता है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।